IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। मैरवा में बजरंग दल ने निकाली शौर्य जागरण यात्रा। अमर बलिदानियों की याद में निकाली गई यात्रा। जनवरी के चौथे सप्ताह में राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। सिवान जिला के मैरवा में युवाओं को देश के साथ जोड़कर सेवा संस्कार और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने मैरवा के हरिराम कॉलेज परिसर से शौर्य जागरण यात्रा निकाली। इस यात्रा को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से इसका स्वागत किया। वहीं बाइक पर सवार सैकड़ों युवाओं ने भगवा झंडा लेकर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं ये यात्रा मैरवा धाम से गुठनी मोड़, मझौली चौक, मेन रोड, स्टेशन चौक, पुरानी बाजार, थाना रोड, मझौली रोड होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर जाकर समाप्त हुई। बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक जन्मेजय कुमार ने कहा कि 1992 में 76 युद्ध लड़ने के बाद 4 लोगों का बलिदान देने के बाद भारत का राम मंदिर यानी भारत का प्राण कहे जाने वाले मंदिर स्थापित हो रही है, जो लगभग 90% कार्य पूरा हो गया है। जनवरी के चौथे सप्ताह में 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP ट्राइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। लला अपने घर में विराजमान होंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जिला सहित पूरे देश के हिंदू धर्म के लोगों को हम न्योता दे रहे हैं कि राम मंदिर जाकर रामलला का दर्शन करें। शौर्य यात्रा में जिला संयोजक रंजन कुमार, राजकुमार जायसवाल, बजरंगी प्रमोद सिंह, सचिन कुमार, सौमिल उपाध्याय, अभिषेक पांडे, धनंजय पांडे, सुबोध दुबे, आदित्य प्रकाश पांडे, ऋषभ पांडे, राकेश सिंह कुशवाहा, ज्वाला सिंह, अंकुर पर्वत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। आज आपका जो दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान, तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। बजरंग दल के द्वारा जो शौर्य यात्रा निकाला गया, इसके क्या उद्देश्य है? पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण, अमर बलिदानियों के याद में यह शौर्य जागरण देश के सभी प्रखंड केंद्रों पर यह कार्यक्रम है। इस शौर्य जागरण के माध्यम से ये बताने का विषय है कि लगभग 500 वर्षों का यह इतिहास है। भारत के अंदर एक कलंक का टीका जड़ दिया गया था 1528 ईस्वी में। 1992 में 76 युद्ध लड़ने के बाद लगभग 4.5 लोगों को बलिदानी देने के बाद राम मंदिर यानी भारत का प्राण स्थापित हो रहा है। इसलिए ये अमर बलिदानियों की याद में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके राम मंदिर सुरक्षित रहे, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर शीघ्र बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर के काम करने वाले ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं के, लाखों साधु संतों के निर्मम हत्या की गई इस आंदोलन को लेकर के आज भारत के अंदर भारत का प्राण स्थापित हो रहा है। इसी के लिए राम मंदिर निर्माण है और जनवरी के चौथे सप्ताह में राम लला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, यानी भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग 90% पूर्ण हो गया है और जनवरी माह में। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, जो कि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, इसी के याद में यह शौर्य जागरण है और यह न्योता दिया जा रहा है इस शौर्य जागरण के माध्यम से कि हर हिंदू, हर सनातनी राम मंदिर ठाकुर जी का दर्शन करे और अपने जीवन को कीर्तार्थ। क्या संदेश देंगे इस शौर्य यात्रा के माध्यम से आम लोगों को? हम आम जनमानस को यही कहेंगे कि आप इस शौर्य जागरण के माध्यम से हर घर में एक बजरंगी खड़ा करें, एक अपने घर की बहन को दुर्गा वाहिनी से जोड़े, ताकि आने वाले समस्या का हम समाधान कर सके। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं
आपके मैरवा के पूरे जिले के लोगों से मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि जनवरी माह में जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाए तो आप जाकर के अपने दर्शन करें और अपना जीवन करता है। यात्रा आप लोग कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ शुरू हुआ? ये मैरवा अपने धाम से शुरू हुआ है, नगर में भ्रमण करके फिर वहीं समापन होगा। जनमेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार।